हाय फ्रेंड्स, शालिनी फूड वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है उड़द के छिलके वाली दाल के पकौड़े। उड़द की छिलके वाली दाल से हम दाल तो बना ही सकते हैं, उसके अलावा बड़े और चीले भी बना सकते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम एक कटोरी उड़द की दाल लेंगे, इसे ओवरनाइट हम सोक करके रख देंगे। उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाती है और अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में से पीस लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अदरक के कुछ टुकड़े डाल देंगे और दो हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। इधर मैंने आलू को गोल शेप में काट कर रखा हुआ है, इसको हम पकौड़े में यूज करेंगे। हमारी दाल भी ग्राइंड हो चुकी है, अब हम अपनी दाल में कुछ धनिया और कुछ मसाले मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने धनिया पहले से ही चॉप करके रखा हुआ है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे हम 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसी तरह से, जिससे थोड़ी सी फ्लफी हो जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप नमक तेज या कम, जैसा भी खाते हैं उसके अनुसार इसमें आप नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डालूंगी, ये मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैंने इसमें हल्दी भी डाली हुई है, हल्दी के 1/2 चम्मच डाल दिया है। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें धनिया, साबुत धनिया, आमचूर, ये सब भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने ये सौंफ पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। ये सब मैं 1 चम्मच की क्वांटिटी से लिया है, एक जो खाने वाली चम्मच होती है उसकी क्वांटिटी से आप ले सकते हैं। और अब हम इन सभी को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए मैंने मिक्स कर दिया है और हमारा बैटर रेडी हो गया है। और अब जो मैंने आलू की चिप्स काट के रखी थी उसको 1 बाय 1 इसमें डिप करते हुए हम ऑयल में डालेंगे। ये मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, ये भी गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 बाय 1 करके ये आलू की चिप्स इस बैटर में डुबो कर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। पकौड़े डालते समय थोड़ी सावधानी का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है और इसमें छींटे पड़ने का भी डर रहता है, इसलिए हमें केयरफुली इसमें पकौड़े डालने हैं। पकौड़े डालते समय एक हाथ से हैंडल पकड़ लें और दूसरे हाथ से आप इसमें धीरे धीरे पकौड़े डालें। 1-2 मिनट हल्के भूरे होने के बाद हम पकौड़ों को पलट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इन्हें तल लेंगे। कम से कम 1-2 मिनट का टाइम इन्हें पूरी तरह से पकने में लगता है। इन्हें अच्छी तरह से पलटने के बाद हम फिर से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से भूरे नहीं हो जाते। हल्के सुनहरे या हल्के भूरे होने तक हम इन्हें पकाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये थोड़े क्रंची भी हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें जल्दी निकाल लेंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, इसमें जो आलू है वो भी कच्चा रह जाएगा और ये अच्छी तरह से पक नहीं पाएंगे। अब हमारे पकौड़े अच्छी तरह से तल चुके हैं, अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हम टिशू पेपर का यूज करेंगे। एक टिशू पेपर के ऊपर हम इन्हें निकाल लेंगे। टिशू पेपर पर निकालने से ये फ़ायदा रहता है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिशू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे पकौड़े इतने ज़्यादा ऑयली नहीं लगते। ये देखिए, हमारे एकदम क्रंची और खस्ता पकौड़े बनकर रेडी हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करिए। पकौड़ों को हम सॉस के साथ या चटनी के साथ, जो भी हरी चटनी होती है या मीठी चटनी, आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, एकदम खस्ता हमारे पकौड़े बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और क्रंची हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।